हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़। पहले टेक न्यूज आ रही है रेडमी नोट 9 की तरफ से। रेडमी नोट 9 ये 12 मार्च को लॉन्च होने वाला है और इसमें 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा देखने को मिल सकता है। और साथ ही इसका जो इवेंट रहेगा वो इवेंट नहीं रहेगा, इसके ऑनलाइन इवेंट होगा और इस ऑनलाइन ये लॉन्च होगा मोबाइल। दूसरी टेक न्यूज आ रही है मोटोरोला रेजर की तरफ से। मोटोरोला रेजर बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि इंडिया में आएगा, मगर कुछ कहा जा रहा था कि जल्दी कब देखने को मिल सकता है। ये 16 मार्च को देखने को मिल सकता है और इसमें बहुत बड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ ये रेजर जो फोल्डेबल फ़ोन है जो मोटोरोला का, ये देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक चैनल पर। शुक्र आज वीडियो टेक की बात, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तीसरी टेक न्यूज आ रही है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का जो वॉच है उसकी कुछ इमेज लीक हो चुकी है। उसमें आपको 1.91 का इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है उसमें, और 100% का DCI-P3 कवरेज देखने को मिल सकता है, और बहुत बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ उसमें सभी फीचर दी गई है। हार्ट ब्रेक चेक करना और बहुत सारी जो फीचर उसमें सब दी गई है। और जो चौथी टेक्नोलॉजी आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी का जो 5 मार्च को लॉन्च होने वाला था रियलमी सिक्स और रियलमी सिक्स प्रो, इसका इवेंट कैंसिल हो चुका है। मगर ये मोबाइल लॉन्च होंगे, मगर इसके इवेंट जो दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में देखने को मिल सकता था, मगर ये इवेंट जो कैंसिल हो चुका है। अब ये ऑनलाइन इवेंट होगा, ये कोरोना वायरस की वजह से ये इवेंट कैंसिल हो चुका है। और इसमें जो दोनों मोबाइल लॉन्च होंगे मगर ऑनलाइन लॉन्च होंगे, और ये दोनों मोबाइल देखने को मिल सकता है 5 मार्च को। और जो पांचवी टेक्नोलॉजी आ रही हुवाई की तरफ से। हुवाई का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था गूगल के साथ, इसलिए हुवाई ने इंडस ओएस के साथ पार्टनरशिप करके कुछ मोबाइल लाने वाला इंडस ओएस के साथ, जो इंडिया का ओएस है। वो जो छठवीं टेक्नोलॉजी आ रही हुवाई की तरफ से, हुवाई ने एक सर्च इन अपना एक लॉन्च कर दिया, उसका टेस्टिंग चालू है। वो जो यूनाइटेड अरब है वो उसका टेस्टिंग कर रहे हैं। वो जो सातवीं टेक्नोलॉजी आ रही कोरोना वायरस की तरफ से, कोरोना वायरस हैदराबाद में आ चुका है। मतलब थैंक यू, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।